भारत और वेस्टइंडीज के बीच यहां बुधवार को डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी एशिया वीसीए स्टेडियम विशाखापट्टनम में खेला गया और दूसरा मैच टाई रहा। बता दें कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 321 रन बनाए। बता दें कि मैच के बाद कोहली ने कहा कि सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि यह एक बहुत अच्छा मैच था। वेस्टइंडीज़ का इसका श्रेय जाना चाहिए जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, खासकर दूसरी पारी के बाद जब उनकी 3 विकेट जल्दी आउट हो गए और फिर हेटमेयर तथा होप ने मैच बना दिया। कोहली ने इस मैच में सबसे तेज अपने 10,000 रन पूरे कर लिए। उन्होंने कहा, मुझे अपनी इस पारी और 10,000 की उपलब्धि को छूने पर गर्व है। यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैंने मैच से पहले ही सोच रखा था। इस पिच पर हर कोई पहले बल्लेबाजी करना चाहेगा क्योंकि यहाँ मौसम गर्म था और बाद में आपको रनों का बचाव करना था। कोहली ने कहा, मैंने पूरी तरह से इस मैच का आनंद लिया। वेस्टइंडीज ने जिस तरह की बल्लेबाजी की उससे वे इस मैच को टाई कराने के हकदार थे। आज का मैच हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था। जब रन रेट 6 के नीचे गिर गया था, मैंने सोचा कि वे मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन कुलदीप, चहल, उमेश और शमी ने अच्छी गेंदबाजी की। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।